हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका INDIE हिंदी टेक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोटक महिंद्रा बैंक की 811 बैंक अकाउंट में आप अपने डेबिट कार्ड से किस प्रकार से मनी ऐड कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि INDIE हिंदी टेक को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ ही नोटिफिकेशन वाले घंटी पर क्लिक करना ना भूले, तभी हमारे द्वारा अपलोड किया गया सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप कोटक महिंद्रा बैंक की जीरो बैलेंस अकाउंट यानी कोटक 811 में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं और आप करने को सोच रहे हैं और अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है कि हम किस प्रकार से कोटक 811 में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो कृपया इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके आप देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने लिंक दे दिया है कि आप किस प्रकार से कोटक 811 में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं जीरो बैलेंस के तहत। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से आप डेबिट कार्ड से कोटक 811 बैंक अकाउंट में अपना पैसा को जो है ऐड कर सकते हो बैंक में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो लिखा हुआ है कोटक 811, इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करके इस एप्लीकेशन में अपना इंटरनेट बैंकिंग के तहत, मोबाइल बैंकिंग के तहत एम पिन डाल के लॉग इन करना है। तो चलिए हम यहाँ पर एम पिन डाल के लॉग इन कर लेते हैं। दोस्तों, आप लॉग इन हो जाने के बाद आप डायरेक्ट वहाँ पर चले जाएंगे जहाँ पर आपका बैंक अकाउंट, IFSC कोड और आपका जो VPA वगैरह शो हो जाएगा और साथ ही साथ बैंक बैलेंस, अकाउंट बैलेंस आपका शो हो जाएगा। आप देख सकते हैं अगर आपने फुल KYC करा लिया है तो ठीक है, एक साल बाद भी आपका जारी रहेगा। अगर आपने फुल KYC नहीं किया है तो आपका जो ये बैंक अकाउंट है वो सिर्फ वैलिडिटी है 365 दिन यानी एक साल के लिए। तो आप जल्दी से किसी भी कोटक महिंद्रा बैंक के ब्रांच में जाकर या फिर आप एजेंट से संपर्क करके KYC करवा लीजिए। तो चलते हैं यहां पर ऐड मनी पे और देखते हैं कि किस प्रकार से हमें डेबिट कार्ड से यहां मनी ऐड करनी है। तो दोस्तों, यहां पर जो आप देख सकते हैं ऐड मनी टू योर कोटक 811 अकाउंट, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहां पर दो तीन ऐसे ऑप्शन आती है, NEFT, IMPS, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग और UPI। तो चलिए हमें यहां पर सिलेक्ट करना है डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग। दोस्तों, एक बात ध्यान रखें कि यहाँ जो आप नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से मनी ऐड करोगे तो 1000 से कम यहाँ पर ऐड नहीं होगा। आपको मिनिमम 1000 करना है और मैक्सिमम इसका जो लिमिट है वो नहीं दिखाया गया है। आप यहाँ पर 6000-7000 से भी ऊपर कर सकते हो एक बार में ऐड। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक और टर्म एंड कंडीशन ये है कि आपका जो ये डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से आप मनी ऐड करोगे वो 48 घंटों के अंदर आपके अकाउंट में क्रिएट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं कि 48 घंटे की ये लफड़ा है, यानी कि 48 घंटा में हर हाल में आपके बैंक अकाउंट में ये आ जाएगा मनी। तो चलिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं 1000, ओके, क्योंकि 1000 जो है इसका मिनिमम है। अगर हम यहाँ पर 500 एंटर करते हैं तो यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मिनिमम 1000 हमें ऐड करनी है। तो चलिए हम यहाँ पर 1000 एंटर करते हैं और ऐड करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने 1000 ऐड कर दिया, उसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला ऑप्शन आती है नेट बैंकिंग की। तो यहाँ पर हमें नेट बैंकिंग से नहीं डेबिट कार्ड से करना है, तो ये बगल में डेबिट कार्ड शो हो रहा है तो इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, डेबिट कार्ड नंबर आपको यहाँ पर डालना है और उसके बाद यहाँ पर एक्सपायरी डेट, CVV नंबर वगैरह सारा कुछ आपको डालना है। दोस्तों, ध्यान रहे कि वर्चुअल डेबिट कार्ड यहाँ पर इनवैलिड बता दिया जाता है, यानी कि जो भी वर्चुअल डेबिट कार्ड है पहले वाला वो काम नहीं करता है यहाँ पर। तो चलिए हम यहाँ पर डेबिट कार्ड नंबर डाल देते हैं, जो मेरा एक्सिस बैंक का डेबिट कार्ड है। तो हम यहाँ पर डेबिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और CVV और नाम वगैरह डाल देते हैं। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं हमने अपना डेबिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, अपना नाम और CVV नंबर डाल दिया है। उसके बाद जस्ट आपको पे नाउ पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहां पर पे नाउ पे क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों, पे नाउ पे क्लिक करने के बाद यहां पर थोड़ा सा वक्त आपको लग सकता है लोडिंग वगैरह होने में, तो आपको थोड़ा सा यहां पर वेट करना होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें वेरीफाइड बाय वीज़ा, यानी कि जो हमने वीज़ा पासवर्ड बनाया था वो यहाँ पर एंटर करने को बोला जा रहा है, और दूसरा माध्यम है OTP। तो चलिए हम यहाँ पर OTP पर क्लिक करते हैं। अगर आपका जो मास्टर सिक्योर कोड या फिर वीज़ा कार्ड का पासवर्ड नहीं बनाए होंगे या फिर उपलब्ध नहीं होगा आपके डेबिट कार्ड पर, तो आपको डायरेक्ट OTP भेजे जाएंगे जो आपके बैंक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा। तो चलिए यहाँ पर हमारे मोबाइल नंबर पर OTP आ चुका है, तो जस्ट हम OTP को यहाँ पर एंटर कर देते हैं। दोस्तों, हमने OTP को यहाँ पर एंटर कर दिया है। OTP को एंटर करने के बाद यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हैं। मेरा पेमेंट जो है प्रोसेस में है, अब अभी जो है थोड़ी देर में ये पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ जाएगा यहाँ पर पेमेंट पूरा होने तक। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा ट्रांजेक्शन कम्प्लीट हो चुका है और मेरे कोटक महिंद्रा बैंक में ये पैसा
ऐड होने की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। तो जस्ट हम यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हम अपना अकाउंट में आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेरा बैलेंस है वो 5000 ही शो हो रहा है। यानी कि मैंने आपको बताया था कि 48 घंटों के अंदर आपके अकाउंट में ये क्रेडिट कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ी सी वक्त लग सकती है और 48 घंटों के अंदर आपके अकाउंट में ये पैसा क्रेडिट हो जाएगा, ये पैसा आपका फंसने वाला नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कोटक महिंद्रा बैंक की 811 बैंक अकाउंट में अपना डेबिट कार्ड से मनी ऐड कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए गुड बाय।